हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज की शुरुआत हमने की है फिर से मायापुर ब्लॉग से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, और हम मंगल आरती चैंटिंग के समय पे मिले थे माता जी और मैं। थोड़ा सा 2-3 मिनट्स हमने बात की आपस में, और उसके बाद माता जी जो थे परिक्रमा के लिए निकल गए थे। उस दिन मैंने परिक्रमा स्किप की थी, तो चलिए आप आगे देखिए। राधिका और मैं करने आए हैं ब्रेकफास्ट। शायद व्हाट आर यू डूइंग राधिका? अच्छा, और क्या क्या लिया है? हमने लिए वेज रोल, 2 समोसे, और राधिका ने ली है इडली। ज़्यादा ले लिया हमने, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका ये जो शॉप बहुत पुराना है। प्रभु जी विग्रह जो बनाने का सेवा करते हैं, आप देख सकते हैं अभी भी प्रभु जी बना रहे हैं, बहुत सुंदर डिटेल्स बनाते हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगी पीछे कितने सारे विग्रह रखे हैं, देखिए बहुत सुंदर। और प्रभु जी, आप कितने सालों से ये सेवा कर रहे हैं? 30 साल। और उनसे आपके पापा जो वो भी यही सेवा करते हैं? पिताजी अभी करते थे। अच्छा, बहुत ओल्ड एज हुआ, 80 हुआ, करते थे, अभी वो करते थे। अच्छा, बहुत सुंदर। और मैं 93 साल से पूरा पूरी काम स्टार्ट किए, अप्रोक्स 93, और अभी 22, अप्रोक्स नियर अबाउट 30 इयर्स। बहुत सुंदर। और प्रभु जी, ये सब जो बनाए हैं सभी विग्रह आपने ही बनाए हैं? बहुत सुंदर। अभी हम आ गए रामेश्वर महाप्रभु के दर्शन करके, और वहाँ से हमने बोट पकड़ी, फिर हम इस्कॉन टेम्पल में आ गए, नाम हट्टा हॉल में आ गए हैं। अभी प्रसाद हम कराने का वेट कर रहे हैं। नित्यानंद
बेल का जूस आया है, बेल का जूस पीते ही मेरा गला पक जाता है, मेरा गला पकड़ जाता है। रानी का को बहुत अच्छा लगता है बेल का जूस, घर पे पीती नहीं है, मायापुर को खूब पीती है। और सभी 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 डिवोटीज को इतना भूख लग रहा है, सभी डिवोटीज को बहुत भूख लग रही है, सब पीछे बैठे हैं। महाराज से परिक्रमा बुक लोगे? वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? राधिका का दासी। राधिका देवी दासी। हाँ, राधिका देवी दासी। क्या पढ़ते हो? क्या बनोगे बड़ा होकर? इंजीनियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधिका से महाराज काफ़ी सारी बातचीत कर रहे हैं, राधिका से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और राधिका उत्तर दे रही है और गलत उत्तर दे रही है तो महाराज इसको समझा रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो अभी हम महाराज से एक्चुअल में परिक्रमा बुक लेने के लिए आए थे और वहाँ पे महाराज सभी को इस प्रकार से अपने साइन करके, हम उसे बोले थे महाराज अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो महाराज साइन करके और उसमें ब्लेसिंग्स लिख करके सबको दे रहे थे। और बहुत ही सुंदर बुक है ये जो परिक्रमा बुक है। और साथ में हमने लिया था एक छोटा सा परिक्रमा बैग, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी राधिका जब पहन लेगी। और बहुत ही अच्छा लगता है श्री धाम मायापुर में सभी जो वैष्णव सन्यासियों के दर्शन करने से। और तो चलिए अब तो फ्री साइन कर सकते हैं। क्या बात हो गई? हां 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 I love you Krishna. How do you say? What are you going to say? Hari Hari Bol. और ये एक स्पेशल मोमेंट था। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जितनी भी डिवोटी है महाराज से जो ये परिक्रमा बुक और अन्य जो बुक्स हैं वो लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा अभी नंदन आचार्य जी का घर है, चैतन्य महाप्रभु जी के विशेष पार्षद हैं। तो यहाँ पर आ करके जब समस्त तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के बाद नित्यानंद प्रभु आए नवदीप, तो यहाँ आ करके रुके और नित्यानंद प्रभु यहाँ पर रहे। तब चैतन्य महाप्रभु ने जो है बताया कि वहाँ पे नंदन आचार्य घर नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पहली बार जो है मिलन हुआ नित्यानंद प्रभु से। और यहाँ नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आपस में मिले तो बताते हैं इतना रो रहे थे कि मतलब सब जगह गीली हो गई थी, सब चारों तरफ जो है जैसे वर्षा हो जाती है ना ऐसे हो गया था, इतना दूर है। और उसके कारण जो आपस में मिलन हो रहा था ऐसा अनुभूति हो रहा था। और चैतन्य महाप्रभु का मिलन होता है और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं सभी को, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय में। अद्वैताचार्य भी यहीं पर ही आकर के रुके थे, जब छुपे थे जब अद्वैताचार्य बोले थे चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो वो मुझे यहाँ से खोज के निकालें, तब भेजा था इसको श्रीवास ठाकुर के भाई को भेजा था चैतन्य महाप्रभु जाओ जा कर के आप उन्हें लेकर के आओ। छुपे हैं कहाँ? नंदनाचार्य के घर पर। तो यहाँ पर
जाके उनको बताया तो गए नहीं अद्वैत आचार्य, तो जाके बोलते नाड़ा आ नहीं रहा है ऐसे करके बोले अद्वैत आचार्य को, जितने महाप्रभु खुद आकर के उनको पकड़ा यहाँ से, और वो इस प्रकार से वो भी पहचानने की चेतने वहाँ पर उसमें भगवान इस प्रकार का नहीं भगवान से मिलन चाहते हैं तो ये स्थान का आश्रय लें, हम नित्यानंद प्रभु का आश्रय लें, अद्वैत आचार्य प्रभु का आश्रय लें कि हमारा भी भगवान चेतने महाप्रभु से किसी कारण से संबंध दक्षिणा भी हो सके। हरिनाम के अभी हम हैं नंदनाचार्य जी के घर पे और दर्शन तो हो गए हैं और बस अभी राधिका और भाई जी का वेट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हो गई है। अभी यहाँ से अभी दर्शन हो गए हैं, उसके बाद हम जाएंगे फिर से इस्कॉन मायापुर और अभी मैं थोड़ी देर रूम पर जाके रेस्ट करूँगी, थोड़ा स्नान करूँगी, रेस्ट करूँगी, फिर इवनिंग में फिर से निकलूँगी और बस अभी तो पीछे कथा चल रही है बंगाली भाषा में, यहाँ समझ नहीं आ रहा, वेट कर रही हूँ। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो मुझे लगता है मैं घर ही पहुँच जाऊँगी क्योंकि एक एक करके ब्लॉग वो साइन करे तब तक मुझे लगता है मैं घर पहुँच जाऊँगी। कपड़े लेने के लिए कपड़े सूख चुके हैं तो सोचे लेके जाएं क्योंकि सुबह अभी रात को सारी पैकिंग भी करनी है ना, इसलिए तुम कपड़े उतारो राधिका, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, सांस फूल गया मेरा, जल्दी जल्दी आई हूँ ना, देखो यहाँ से कितना सुंदर व्यू है, पूरा गौरांग मार्केट दिख रहा है आपको, पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से, टीओवी भी दिख रहा है, सब दिख रहा है यहाँ से, पीछे दूर दूर तक जद दिखता है यहाँ से, दिख रहा है ना अभी आपको दूर दूर तक। चलो अभी कपड़े राधिका ने उतार लिए कपड़े, जैसे बेबी ने सारे कपड़े उतार लिए, हाँ हाँ मेरे, चलो अभी नीचे चलते हैं, अभी थोड़ा सा रेडी होंगे, थोड़ी देर कीर्तन मेला में जाएंगे और थोड़ी देर के लिए जाऊंगी कीर्तन मेला में, ज़्यादा देर नहीं जाऊंगी, दर्शन करके आ जाऊंगी, सुबह मंगल आरती भी जाना है, लेट नहीं होंगी आज बिल्कुल भी, वैसे भी मैं लेट नहीं हो रही हूँ आजकल, मैं टाइम से सो रही हूँ धाम में आके, और बस फ़ोन भी चार्ज करेंगे, शूटिंग भी करनी है ना, चलो अभी नीचे चलते हैं और रात को सारा पैकिंग करके सोना है मुझे ना। चलो राधिका कह रही है मम्मी यहाँ से भी एक व्यू दिखा, हरे कृष्ण राधिका मंगल आरती के लिए आ रही है, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो, अभी चले मंगल आरती, अभी चल रहे मंगल आरती, आज लास्ट डे है परिक्रमा का है ना, क्योंकि इसने बैग में इतनी बड़ी बुक रख ली है, परिक्रमा वाली बुक रख के लेके आई है। राधिका बहुत अच्छा लग रहा है ना सोचना, यहाँ पे हल्की सी ठंडा है लाइट, तो थोड़ी देर के लिए ही यहाँ पे स्वेटर या जैकेट पहनने की जरूरत पड़ती है, कई डिवोटीज तो वो भी नहीं डालते हैं, मुझे लेकिन ठंड लगती है मॉर्निंग में क्योंकि वहाँ जहाँ पर मैं बैठती हूँ ना, यहाँ पर मैं बैठती हूँ ना वहाँ पर हल्की सी ठंडी हवा आती है, सिकुड़ने से तो अच्छा ही है कि जैकेट ही डाल लीजिए सिकुड़ते सिकुड़ते माला करने से बेटर है कि हम जो है थोड़ा सा अच्छे तरह से पैक होकर के जप कर लें। यहाँ पे इतने सुंदर फ्लावर्स हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है मेरे पीछे यहाँ पे,
देखोगे ना तो ऐसा लगता है जैसे पेपर फ्लावर है, बट ये पेपर फ्लावर नहीं है, रियल फ्लावर्स हैं यहाँ पे मायापुर के। मैं दिखाती हूँ आपको भी, सारे के सारे ही फ्लावर्स पीछे तक सुंदर। राधा माधव के लिए भी यहाँ से फ्लावर लेके जाए जाते हैं। तो स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स है, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स मायापुर धाम के। मायापुर धाम की सब चीज़ बहुत सुंदर है, देखो कितना सुंदर है फ्लावर। हरे कृष्णा। तो आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करना चाहूँगी, और आपको मेरी थोड़ी सी वॉइस अलग लग रही होगी क्योंकि आज मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और इसकी वजह से भी थोड़े सा जो मेरे ब्लॉग्स हैं डिले हुए हैं क्योंकि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा बैठ गया था, और थोड़ी सी आज आवाज़ निकली है। तो मैंने सोचा आज आप सब तक मैं कुछ ब्लॉग्स को तो पहुँचा ही दूँ। तो इस ब्लॉग में आपने देखा कि हमने काफ़ी सारे दर्शन किए, धामेश्वर महाप्रभु और अन्य जो स्थान के मैंने आपको दर्शन करवाए, और अभी मायापुर सीरीज़ के कुछ व्लॉग अभी रहते हैं। और इस व्लॉग में आप देख रहे हैं कि मैं आप सबको जो है जहाँ पर मैं रुकी थी वहाँ का रूम टूर करवा रही हूँ। काफ़ी सारे डिवोटीज़ ने मुझे कहा था कि माता जी आप कहाँ रुके हैं, हमें वो स्थान भी अवश्य दिखाइएगा। तो ठीक है, तो इससे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी मायापुर का जो रूम है उसका टूर, मैं दिखाऊंगी वो किस प्रकार से था, किस लोकेशन में था। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अभी हम ये ब्लॉग यहीं एंड करना चाहेंगे। जल्द ही मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको ये ब्लॉग कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो इस प्रकार की वीडियोस हैं हमारी अच्छी लगती हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं थोड़े से अपडेट्स डालने का पूरा पूरा प्रयास करूँगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर ब्लिसफुल वीडियोज़। चलिए अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। राम राम।